करेंगे लखनऊ की तरफ। तो लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ दानिश वारसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी दानिश जी, आज क्या क्या खबरें दिन भर प्रदेश में सुर्खियों में रहेंगी? देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो मैं कह सकता हूँ लोकसभा चुनाव को लेकर के सारी पार्टियों ने कमर कस ली है, और इस तरफ जो माहौल है वो लोकसभा का पूरा माहौल तय हो चुका है। अब समाजवादी पार्टी ने पीडीएफ को आगे बढ़ाने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक प्लान तैयार किया है, जिसको 2 महीने में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के नेता तैयारी करेंगे। जिसमें एक चीज सुनने में आ रही है, जानकारी मिली कि समाजवादी पार्टी की तरफ से जो पीडीएफ का मास्टर स्ट्रोक प्लान तैयार किया गया वो बीजेपी के खिलाफ तैयार किया गया है। बीजेपी के खिलाफ जो प्लान तैयार किया गया उसमें आर्थिक सामाजिक गैर बराबरी का के बारे में बताया जाएगा, न्याय और आरक्षण पर ये रिपोर्ट तैयार की गई है। तो समाजवादी पार्टी में जो पीडीए गठबंधन है वो उसकी तैयारी की जा रही है, और 2 माह में ये पीडीए गठबंधन क्या तैयारी करेगा ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन बीजेपी के खिलाफ क्या तैयारी है इसको लेकर के भी चर्चा की है। इसके साथ ही पीडीए के साथ साथ जो पीडीएम बन गया है, यानी पल्लवी पटेल और जो असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर के जो एक गठन हुआ है गठबंधन का पीडीएम, यानी पिछड़ा दलित मुसलमान, उसको लेकर के समाजवादी पार्टी काफी चिंतित है। और कहीं ना कहीं वो अखिलेश यादव की नैया डुबोने के लिए पूरी तरीके से खाका तैयार है। पीडीएम कहीं ना कहीं पीडीए को टक्कर दे सकती है, पीडीएम पीडीए का खेल बिगाड़ सकती है। इसके साथ साथ कल फ्राइडे है, और जिसमें अलविदा की नमाज को लेकर के पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी है। लखनऊ में इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम कर दिए गए हैं कल फ्राइडे की नमाज को लेकर के। इसके साथ साथ रामनवमी को लेकर के अयोध्या में स्पेशल 20 ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिसमें लाखों श्रद्धालु दर्शन करेंगे और ट्रेन के कोच अतिरिक्त लगाए जाएंगे। तीसरी जो खबर है वो है आपके, मैं कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश को लेकर के जो गठबंधन चल रहा है समाजवादी पार्टी से और कांग्रेस का, इसमें जो उज्ज्वल रमण सिंह प्रयागराज से प्रत्याशी बनाए गए हैं इसको लेकर के भी चर्चाएं जोरों पर है, क्योंकि अभी अदला बदली नेताओं की चलती रहेगी और कौन कौन से नेता किस पार्टी में बदलेंगे ये भी देखने वाली बात होगी। अब जब बात करते हैं बीएसपी पार्टी की, तो बीएसपी पार्टी से सीतापुर से प्रत्याशी नकुल दुबे का टिकट काट दिया गया है, उनकी जगह पर राठौर साहब को टिकट दिया गया है। तो अभी टिकट अदला बदली चलती रहेगी। इसके साथ साथ हज पर एक निर्देश आया है कि उत्तर प्रदेश में जो हज कमेटी है उसके निर्देश सऊदी अरब से आए हैं कि अब किसी दूसरे देश का झंडा, यानी भारत का झंडा दूसरे देश का ले जाकर के वहां पर सऊदी अरब में नहीं प्रचार प्रसारित कर सकते हैं, केवल हज कर सकते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश की कई बड़ी खबरें हैं। और कस्टम विभाग की एक खबर आई थी उत्तर प्रदेश के लखनऊ एयरपोर्ट से, जहां पर गोल्ड तस्करी को लेकर 30 तस्कर फरार हो गए थे। तो 30 तस्कर जो फरार हो गए थे, इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही अधिकारियों की बरतने के वजह कुछ अधिकारी सस्पेंड भी हुए, कुछ का ट्रांसफर भी हुआ, इसकी जांच बैठाई गई है, तो 6 लोगों को शायद गिरफ्तार भी किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर सियासी हलचल तेज है। मुख्यमंत्री का आज दौरा भी है, मुख्यमंत्री आज दौरा करेंगे मथुरा में, हेमा मालिनी की जनसभा से पहले मुख्यमंत्री का दौरा है, और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री गोरखपुर भी जाएंगे। अमित शाह की भी रैलियां कल मुजफ्फरनगर में हुई थी, अभी और भी रैलियां चलेंगी। तो कई वीआईपी, कई स्टार प्रचारक उत्तर प्रदेश के लखनऊ के एक एक चप्पे चप्पे पर नजर रखेंगे। सारी पार्टियों ने कमर कस ली है। लोकसभा चुनाव दिलचस्प चुनाव है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों का मुकाबला है, और सारा संसद का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है। तो देखने वाली बात यह होगी उत्तर प्रदेश के अंदर जो राजनीतिक पार्टियों ने तैयारी की, उन तैयारियों का फल किसे मिलता है। जी जी दानिश जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद।